चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबात की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। लॉन्ग मार्च को रोका तो मुल्क बंद हो जाएगा। कहा कि आजम स्वाति को गिरफ्तार करके किसी और के हवाले किया गया, ये कौन से नामालूम अफराद हैं कि सब इनका नाम लेते डरते हैं। चीफ जस्टिस FIA से पूछे आजम स्वाति को किसके हवाले किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे मिले वो बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। मकाम इबरत है कि दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद चोर, डाकू, खाइन और दगाबाज साबित हो गया। और इमरान खान पर दहशतगर्दी का नया पर्चा कट गया। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ असद उमर, अली नवाज समेत 100 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल।